जो आज हम लोग देखेंगे एक ऑन पेज डॉक्यूमेंटेशंस कैसे बनाते हैं और कैसे होता है टोटल ऑन पेज का लाइक रिपोर्टिंग कैसे तैयार होता है वो हम लोगों का आज का टॉपिक्स रहेगा कि कैसे क्या होता है कैसे कैसे बनना है। तो वो जैसे फॉर एग्जांपल लाइक आपका एक वेबसाइट बोल दो मेरे को, मतलब आपका जो साइट था याद है कुछ ब्लॉग वाला अगर उसको अगर पकड़ लेते हैं तो कैसे करना होता है वो दिखा देते हैं पूरी जगह। ऑनलाइन पूजा सर्विस, पूजा सर्विस, सर्विस ब्लॉग डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट ब्लॉग नॉट कॉम मेरा डाल दीजिए हेक्टिक लाइफ एट कोलकाता लाइफ एट कोलकाता मान लो ये मेरा साइट है एंड मेरे को इसको प्रमोट करना है। सो कैसे मैं कर सकता हूँ और कैसे वो ऑन पेज का एसईओ होगा और कैसे करके होता है, ठीक है, दैट आई एम शोइंग लाइव। ओके फाइन। सो इसके लिए पहला आपको जो इम्पोर्टेंट पार्ट होगा वो है आपका एक डॉक्यूमेंटेशन बनाने के लिए आपको एक वर्ड डॉक्स आपको पहले लेना पड़ता है फर्स्ट जॉब एंड उसके बाद यू हैव टू इट ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन डॉक्यूमेंटेशन बोल के इसका एक हेडिंग होगा, ठीक है, इसको मिडल में डाल दो, थोड़ा बोल्ड कर दो, इफ यू वांट टू कलर इट यू कैन। देन किसके लिए कर रहे हो वो भी आपको दे देना पड़ेगा कि कौन सा वेबसाइट के लिए डॉक्यूमेंटेशन बन रहा है दैट यू हैव टू मेंशन, फॉर एग्जांपल दिस वंस। तो यहाँ पे xyz.com हो जाएगा जो भी होगा, ठीक है। नाउ इसका डॉक्यूमेंटेशन पिक्चर देके मान तो कि अगर ये कंप्यूटर इंफोटेक के लिए होता तो उसका लोगो यहाँ पे बन जाता, लोगो रहता, देन वी स्टार्ट द काइंड ऑफ थिंग्स। तो यहाँ पे नहीं है तो फिलहाल के लिए हम लोग इसको आगे में हम लोग लाइक होम पेज के लिए कर रहे हैं तो वो वेबसाइट यू आर एल दे दिया क्योंकि वही होम पेज होता है। पर समझ में आ रहा है ना, जहाँ पे समझ में नहीं आएगा बोलना कि ये समझ में नहीं आ रहा वो समझ में नहीं आ रहा है। विद्युत जी मान लो कि .com मेरा वेबसाइट है तो ये मेरा होम पेज हो गया। आप वो blogspot.com है वो पर्टिकुलर से एक सेक्शन है, मतलब वही ब्लॉग है। तो जो होम पेज होता है फर्स्ट होता है ओपन होता है वो होम पेज होता है, ठीक है। सो ये पेज को मेरे को डालना है। इसका जो फॉर्मेट है पहला फॉर्मेट आप टाइटल का टाइटल डिस्क्रिप्शन क्या को इनको मैं कर रहा हूं यहां कीवर्ड्स, ठीक है। एंड उसके बाद को यहां पे एक सेक्शन रहता है h1 h2 टैग्स या करेक्ट सजेशन ये रहता है। देन वी कम अप फॉर द इमेज ऑप्टिमाइजेशन इंटरनल लिंक सजेशंस, हम लोग यहां पे पुट करते हैं कंटेंट सजेशंस अगर इफ एनी रहता है। तो दिस इज ओवरऑल एक पेज का पर्टिकुलर्स अगर कुछ चेंजेस है वो पर्टिकुलर्स कंटेंट कस्टमाइजेशंस यहाँ पे डाल सकते हो। कस्टमाइजेशंस अगर आप कुछ चाहते हो तो वो आपको यहाँ पे सजेशन डाल सकते हो। थिंक अबाउट दिस कि दिस इज सजेशंस ऑल टाइम क्या होता है, क्यों मैं सजेशन लिख रहा हूँ। समटाइम एज अ कंसल्टेंट आप जैसे कि आपको बुखार आया कुछ प्रॉब्लम आया कुछ होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर एक प्रेस्क्रिप्शन आपको देता है। हर टाइम हम लोग क्या एकदम डिटो फॉलो करते हैं सब, कुछ बंदा बहुत सीरियस रहता है फॉलो करता है, कुछ बंदा और बहुत सारा बंदा ऐसे रहता है फॉलो नहीं करता है। तो इसका मतलब है कि डॉक्टर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, बेसिकली माई चॉइस कि वेदर आई विल टेक द मेडिसिन ऑन टाइम और नॉट एंड रेगुलर और नॉट। छह दिन के लिए दिया, सात दिन के लिए दिया तो दो दिन का आया बच्चा लगा हटाओ, होता है ऐसे। तो एज ए कंसल्टेंट वाइज जब हम लोग कुछ सजेशन देता है हर टाइम क्लाइंट आपको अप्रूवल करेगा अलाउ करेगा ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग ये सजेशन एक्चुअली क्लाइंट को देते हैं पहले कि भाई ये मेरा साइट होगा तो मैं ही राजा हूँ तो मैं जो करूँगा वो मेरा है। बट आप क्लाइंट के लिए जब करोगे किसी कंपनी में अगर नौकरी करोगे तो उस समय आपको ये डॉक्यूमेंटेशन बना के आपको सीनियर टीम लीडर्स को और नहीं तो जो प्रोजेक्ट ओनर है उसको भेजना होता है। देन दे चेक दे वेरीफाई दे अलाउ मीन्स वेदर इट इज पॉसिबल टू इंटीग्रेट इन, क्योंकि यहाँ पे काफी सारा चीजें ये जो आप सजेशन करोगे ना ये आपका साइट पे इंटीग्रेट करना है।
तो आपने शायद वहां पे डाला है कंटेंट सजेशंस, मतलब आपने डाला है कि साइड में कंटेंट नहीं है तो यहाँ पे कंटेंट डाल दो, तो वो अलाउ नहीं कर रहा है, तो इंप्लीमेंट नहीं होगा। कुछ जगह पे ऐसा होता है कि H1 H2 देने का जगह नहीं रहता है, डोंट हैव ऑप्शंस। हम लोग रहेगा तो ऑप्टिमाइज कर सकता है, तो अच्छे के लिए बहुत कुछ है, तो समटाइम्स वो पूरा हो नहीं पाता। समझ में आ रहा है सर? आर यू गेटिंग ना? सो ये स्टैंडर्ड है, ये सबके लिए है, जो मैं अभी दिखा रहा हूँ ये स्टैंडर्ड सबके लिए है। जो पॉसिबल होगा वो हम लोग करेंगे, जो पॉसिबल नहीं होगा वो छोड़ देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। नाउ टाइटल, टाइटल का फंडा क्या है? टाइटल का फंडा है, टाइटल विल गिव द ओवरव्यू ऑफ योर साइट, व्हाट इट इज अबाउट, लाइक आपके साइट किसके ऊपर है, कौन सा टॉपिक्स के ऊपर है, एंड वो पेज में क्या बोलना चाह रहे हैं, दैट इज अ टाइटल। इट्स लुक लाइक योर नेम, आप कौन हो, मैं सूर्या, और टाइटल के साथ आप वो बोल दिया, ये आइडेंटिटी सूर्या। नाउ सूर्या कौन है, देन वो थोड़ा बोलेगा आई एम अ सन ऑफ दिस, आई एम अ पर्सन ऑफ दिस, इज माय आइडेंटिटी, आई एम अ कंसल्टेंट, आई एम डूइंग दिस, सो और डिटेल्स उसके बारे में लिखेगा, वो जाएगा डिस्क्रिप्शन। तो टाइटल यहाँ पे मेरे को क्या करता है, एज अ कंसल्टेंट व्हाट वी डू, हम लोग कीवर्ड के साथ यहाँ पे थोड़ा खेलते हैं, कीवर्ड के साथ, यूजर एक्सपीरियंस के साथ थोड़ा हम लोग यहाँ पे सजेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका कीवर्ड्स यहाँ पे जरूरत होंगे, आपका कीवर्ड्स मान लो कि विजिट कोलकाता, ठीक है, एंड मे बी द कोलकाता टूर्स, ओके, एंड मे बी आपने कुछ कीवर्ड, इसका कीवर्ड क्या होगा, हेक्टिक लाइफ एट कोलकाता, लाइफ एट कोलकाता, ठीक है, सो वो आपका है, कीवर्ड टूल्स में तो देख सकते हैं, वो तो आपको सजेशंस पहले ले लेना है, क्योंकि आपने ये स्टेप्स क्रॉस करके आया है, तो समझ में है कि मैं यहाँ पे नहीं है आपका, तो आप जो बोलोगे मैं वो कर दूंगा, मतलब वो करके लाना था, तो उसी बेसिस में आपको मैं आइडिया कर ले रहा हूँ कि आपका कीवर्ड यही है कोलकाता टूर, लाइफ एट कोलकाता, विजिट कोलकाता, ऐसा कुछ कीवर्ड आपके लिए होंगे, ठीक है, मे बी कोलकाता टूर एंड ट्रैवल, ऐसा कुछ होगा। सो आपने यहाँ पे डाल दिए हैं, तो कि लाइक अभी आपको इसको टाइटल बनाना है, जो टाइटल आपको आपका पेज में जो है वो डिनोट करेगा, साथ साथ आपका यूजर का भी वो फीलिंग्स लाएगा, क्योंकि यूजर्स देख के वो क्लिक करेगा तब ना साइट में आएगा, और कीवर्ड्स भी रहना पड़ेगा। ठीक है, ये मेरा टाइटल हो गया, तो यहाँ पे देखो कोलकाता ब्लॉग आ गया, विजिट कोलकाता आ गया कीवर्ड, लाइफ इट कोलकाता आ गया, एंड कोलकाता टूर नहीं आया, ठीक है, तो कोलकाता, सो इट्स नॉट नेसेसरी कि एवरी टाइम्स, मैंने इंटेंशन वो 9 डाला, क्योंकि हर टाइम आपका सब कीवर्ड आपको वहाँ पे टाइटल में पंच कर पाओगे वैसा नहीं है, बैलेंस रखना है। इतना बड़ा टाइटल ये नहीं करेगा, वो ये गाइड कर रहा हूँ, ये टाइटल का साइज इट कुड बी अप टू, वी रेकमेंड 60, मैक्स 65 टू 6 66 कैरेक्टर तक, कैरेक्टर 62 इतना बड़ा टाइटल है, यस इट इज, अच्छा नहीं लगेगा, 60 कैरेक्टर्स इज अ रेकमेंडेशन सर, 60 अप टू 60, या अप टू 60 कैरेक्टर्स मैंडेटरी नहीं है, अप टू 60 कैरेक्टर्स इज अ टाइटल,
ठीक है, वो 65 तक जा सकता है। क्योंकि क्यों मैं 65 बोल रहा हूँ, क्या क्यों 60 बोल रहा हूँ, क्योंकि आप देखना कि जब आप कोई गूगल में सर्च करोगे, फॉर एग्जाम्पल क्यू 60 क्यू 65 दिखा देते हैं, कैन यू सी दिस, देख रहे हो यहाँ पे डॉट डॉट आ रहा है, वो पूरा विजिबल नहीं हो रहा है, एग्जैक्टली, बट ये विजिबल हो रहा है, दिस इज अ मैक्सिमम लिमिट, कैन यू सी दिस, ना ए अगर ले लेते हैं, ये देखो, कैन यू सी दिस, कितना आ रहा है, 67, सब टू 67 कैरेक्टर्स तक वो लेता है। So we are usually recommend कि 60 characters लेने से अच्छा रहेगा। Now what we are doing, we have made a title like this and मैं इसको check कर रहा हूँ कितना है, 61 है, which is fine, कोई problem नहीं है, ये दिखाएगा, मतलब वो dot dot नहीं आएगा। अच्छा ये देखो यहाँ पे like यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो कोलकाता, विजिट कोलकाता, देख रहे हो विजिट कोलकाता, लाइफ एट कोलकाता, ये मेरे इसके साथ 5 हो गया, बट 2 नहीं हुआ, तो जबरदस्ती देने का नहीं है। अगर ऐसा होता है कि कोलकाता यहाँ पे यहाँ पे अगर जरूरत होता है तो मैं इसको कोलकाता टूर ब्लॉग भी बना सकता हूँ, टूरिस्ट ब्लॉग, कोलकाता टूरिस्ट ब्लॉग वैसे भी दे सकता हूँ। सो वहाँ पे टूर आ गया, मतलब इट्स बेसिकली कनेक्टिंग विद दिस टूरिस्ट, मतलब टूर भी यहाँ पे है, ऐसा करके भी हो लेता है, आगे पीछे उसका कनेक्टिविटी में रहने से चलेगा, क्लियर कर मैं पाए। ऐसा भी नहीं लेना चाहिए कि कीवर्ड साथ 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 बैठा दिया, वो नहीं है, कीवर्ड के ऐसे पंच करना है कि ताकि लोगों को जब वो लोग पढ़ेगा उसको मीनिंगफुल लगे, उसको रिसोर्सफुल लगे, उसको अच्छा लगे, मीनिंगफुल समझ में आए, क्लियर विथ कीवर्ड कॉम्बिनेशन, डन। नेक्स्ट आपका डिस्क्रिप्शन, थोड़ा बहुत हम लोग और बारे में लिखेंगे, कितना वर्ड रहना चाहिए, ये 140 टू 160 कैरेक्टर्स तक हम लोग विथ स्पेस हम लोग रेकमेंड करते हैं। इस बेसिकली लेट मी चेक, ये ज्यादा बड़ा हुआ कि 129 इज फैंटास्टिक। अभी भी मैं कुछ कीवर्ड, कुछ टर्म्स, कुछ डिटेल्स टू नो मोर विजिट और कॉल इन दिस कॉल ऑफ एक्शन हम लोग डाल सकते हैं। आई होप यू गॉट इट राइट, गुड। नाउ कीवर्ड्स, कीवर्ड्स में हम लोग दे सकते हैं जो भी हम लोग कीवर्ड यहाँ पे दिया है, कोलकाता टूर, विजिट कोलकाता, लाइफ एट कोलकाता, ऐसे करके हम लोग दे सकते हैं। बट अभी के लिए हम लोग रेकमेंड करते हैं कि कीवर्ड्स नहीं देने के लिए, ये पहला स्टाइल था। अभी भी बहुत सारा कंसल्टेंट कीवर्ड्स रेकमेंड करते हैं, कीवर्ड्स देने के लिए रेकमेंड करते हैं। आई यूजुअली पर्सनली रेकमेंड की नॉट टू पुट द कीवर्ड। अब बोलोगे सर क्यों, क्योंकि क्या होता है ना, टाइम टू टाइम कुछ अपडेट्स, कुछ सिग्नल्स के मुताबिक हम लोगों का स्ट्रैटेजी चेंज करना पड़ता है। ये पुराना स्ट्रैटेजी था जहाँ पे कीवर्ड देना पड़ता था, अभी कीवर्ड हम लोगों को वो बैक पुलिंग कर रहा है, मतलब कीवर्ड देने से गूगल को वो इंटेंशनली लग रहा है कि आपको वो टर्म से यू आर इंटेंशनली ऑप्टिमाइजिंग, ओवर ऑप्टिमाइजिंग फॉर द यूजर्स। सो हम लोग इसको नहीं दे रहे हैं, लेट्स गूगल डिसाइड कि हम लोग क्या कीवर्ड्स देना चाहते हैं, तो वो पूरा साइट को क्रॉल करेगा, रीड करेगा, उसके बेसिस में वो देगा। पर मैं पॉइंट देने से क्या प्रॉब्लम होगा, कुछ मुश्किल आएगा, रैंक नहीं होगा, नो, ऐसा अभी तक नहीं। ये सिर्फ प्रैक्टिस, एक कंसल्टेंट टू कंसल्टेंट प्रैक्टिस वेरी करता है। अगर आपका जो टीम लीडर है बोल रहा है कि कीवर्ड्स देने के लिए, आप देना,
अगर उस समय मौका रहता है कि टीम लीडर अंडरस्टैंडिंग है, टीम लीडर्स नया चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, आप वहाँ पे शेयर कर सकते हो, सर एज पर अकॉर्डिंग टू द सर अकॉर्डिंग टू द माई लर्निंग ऑल द बिग साइट्स आर नेवर एवर दे आर शोइंग द कीवर्ड्स ऑल द बिग साइट लाइक्स अबाउट डॉट कॉम सी एन एन हाउ टू स्टॉप ऑल द बिग साइट्स यू विल नॉट गेट द कीवर्ड सेक्शंस जो भी है वो अर्लियर है तो शो कर सकते हैं काम कीवर्ड सेक्शन दिखा दे यप सर अभी तक आज ही ना सर कि हो लेटा बाहर का ना देखो लोगों holiday.com में जा रहा हूँ गो आई बी टिकट पेज का तो नाम आपको सुना होगा मेक माय ट्रिप तो आपको सुना मैं सोर्स कंट्रोल तो सर उसमें ये दिखा देगा पूरा दिखा कोड कौन टाइप का वो कोड में ही रहेगा फेशियल टू की होल्डर समझ में नहीं आपको फेशियल टू होल्डर टिश्यू होल्डर इस बाबा क्या देख रहे हैं ऑफ स्लेटर सर सर ये क्यों बेफिक्स के स्पैम के क्यों लग कुछ कुछ टाइम क्या होता है कि इफ यू रैंडमली से काफी साथ होता है सो यूजर्स वर्जंस के लिए हो सकता है बसे हो रहा है मतलब स्पाइडर और बॉट बोल के होता है मतलब सॉफ्टवेयर अगर हो रहा है पढ़ने के लिए लोग डिस आप लोग जाने इसमें हां तो यहां पे टाइटल आ रहा है टाइटल इतना कोड में नहीं करके ढूंढो राइटर शो टाइटल इज आप यहां पे टाइटल एंड इफ यू आर गोइंग फॉर द डिस्क्रिप्शन कैन यू से डिस्क्रिप्शन आल्सो देयर बट इसी कोड इसी डिस्क्रिप्शन को भी हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं ना हां हां एंड जैसे ही आप यहां पे अभी भी कीवर्ड कमा कमा देख के कट है जो आप वहां पे देख रहे हो यहां पे दिखा है वैसे ही वहां पे कोडिंग आ जाएगा सर अगर मेरे पेज में जाके वैसे करना चाहिए तो आ जाएगा तब फिर कोडिंग कर देंगे कीवर्ड यहां पे देखो कीवर्ड जो है यहां पे कीवर्ड कंटेंट कोलकाता मेनी टूरिस्ट प्लेस ना ये एक्चुअली कीवर्ड वैसे नहीं दिए वो टाइटल के साथ वो कीवर्ड्स किया है नॉट द वे वी डिटेक्ट इट ऐसा डिस्क्रिप्शन से एक दे दिया तो इसका स्टाइल अलग सेक्शन रखा है इसको अगर देखें ये भी मतलब टूरिस्ट साइट में लगभग है आई थिंक बट और डॉट ऑन क्योंकि हेडिंग हम लोग जब देते हैं हेडलाइंस जो होते हैं अगर वहां पे अगर कीवर्ड है तो क्या होता है कि गूगल को सर्च इंजन को क्या लगता है भाई ये कोलकाता जो टूर है वो टाइटल में भी है डिस्क्रिप्शन में भी एच वन एच टू में भी है और उसके इमेज में भी एक कोलकाता टूर बोल रहे हैं और उसका जो कंटेंट है वहां पे भी कोलकाता टूर है तो द साइट इज रिलेवेंट टू द कोलकाता टूर तो इसलिए वो तुरंत ये और रिजल्ट्स में आने के लिए एलिजिबल हो जाता है करना पॉइंट कांसेप्ट इज दिस ओनली
नाउ हम लोग यहाँ पे एच वन डाला है बेस्ट प्लेसेस places to visit Kolkata for to see life at Kolkata. So ये मैं भी मेरा है H1 H1 H2 थोड़ा और एक होगा मतलब थोड़ा एज वन मतलब हेडिंग वन एज टू हेडिंग टू मतलब एक कंटेंट है जिसका हेडलाइंस एक है सेकेंड हेडलाइंस अलग रह सकता है तो वहाँ पे थोड़ा और भी देंगे वो डिपेंड होगा आपका कंटेंट क्या है उसके ऊपर ठीक है. नेक्स्ट आपका क्या है इमेज ऑप्टिमाइजेशन. इमेज ऑप्टिमाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं कोई भी आपका साइट पे जाते हैं साइट आके हम लोग देखते हैं कि कुछ इमेज है कि नहीं और आप रेंगल के एक सॉफ्टवेयर बोले थे कि वहाँ पे आपको रिपोर्ट मिलता है भी पता चल जाता है कि साइट में मेरा A1 A2 A3 है कि नहीं इमेज है कि नहीं है ऑल टेक्स्ट है कि फॉर दिस इज इमेज ये आपका इमेज है तो ये आपका एम्बेड है इमेज वाला यहाँ पे ऐसा कोई इमेज नहीं है जो है आपका इसके अंदर ही है वीडियो है इमेज नहीं है सो देयर इज नो वे टू कम अप फॉर दैट. इमेज नहीं है तो हम लोग जो वहां पे पूछने के अब इमेज क्यों नहीं दिया देने से अच्छा है ठीक है. अगर पॉसिबिलिटी नहीं है तो वी विल नॉट गिव इट ठीक है. नहीं देंगे तो सर इमेज ये नहीं करेगा ना वो ब्लॉग पे अच्छा नहीं लगेगा अगर इमेज वो दिखेगा इमेज अच्छा है मतलब नहीं दे अगर नहीं है अगर नहीं देना चाहते ऐसे बहुत सारा क्लाइंट मिलेगा आगे में देना नहीं चाहता आप रिकमेंड करोगे आपका रिकमेंडेशन वो हम लोग का है ना यहाँ पे हम लोग का वो रिकमेंडेशन आ जाएगा कंटेंट कस्टमाइजेशन रिकमेंडेशन मतलब जो क्लाइंट का हाँ और इमेज अगर है अगर रहा तो मैं वो भी एक दिखा दे रहा हूँ जस्ट इसको इससे ले लेके दिखा दे रहा हूँ क्या है क्या देखो मान लो यहाँ पे ये इमेज है फॉर एग्जाम्पल दिस इज ऑल्सो इमेज राइट तो हम लोग क्या करेंगे इसका कॉपी इमेज एड्रेस ले लेंगे और इसका सोर्स कोड में चला जाएंगे जाके कंट्रोल एफ किया और ये यहाँ पे डाल दिया मिल जा रहा है देखो यहाँ पे ऑल्ट में विद्युत विकास धव से हाँ तो यहाँ पे ऑल्ट है मतलब इसका अल्टरनेटिव टेक्स्ट है सर वहां बोल कंट्रोल लेफ से किया उसके बाद वहां से कैसे किया सर्च सर्च कंट्रोल और इमेज का पिक्चर यूआरएल ले लिया यूआरएल का अच्छा राइट मास कॉपी इमेज एड्रेस कॉपी इमेज एड्रेस करके वहां पे पेस्ट डाल दिया हां तो इमेज दिखा देना कि उसका नहीं रहता तो हम लोग वहां पे डाल देते कि विद्युत जी ब्लॉक इमेज और विद्युत जी इमेज फॉर विद्युत जी ब्लॉक तो ऐसे दे देता अगर वहां पे मौका रहता तो हम लोग क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट अगर कीवर्ड होता तो हम लोग डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट विद्युत जी ब्लॉग इमेज प्रोफाइल इमेज समझ में आ रहा तो यहाँ पे मैं अगर आपका कुछ पिक्चर रहता तो मैं रेकमेंड कर रहा कोलकाता 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 इमेज कोलकाता मान लो कि यहाँ पे पैकेज पैकेज टूर इमेज कुछ शायद आपने पैकेज डाला है कोलकाता घूमने के लिए पैकेज टूर डाला है उसका अगर कुछ इमेज है तो हम लोग यहाँ पे डाल देते थे करेक्ट यूआरएल देखे डेफिनेटली यूआरएल हम लोग कैसे डाल देते थे और करके इसको रिकमेंडेशन डाल देते हैं कि आप इसका ऑल टेक्स्ट ये देना यूआरएल तो आपका रह गया एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ यहाँ पे नहीं है तो एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ ठीक है. ऐसा करके मतलब यूआरएल दे देना है इमेज का लोकेशन यूआरएल दे देना और उसी इमेज का क्या ऑल टेक होगा वो रिकमेंड कर देना है ठीक है. सो मैं यहाँ पे हटा दे रहा हूँ इसको तो आप समझ लेना दो मिनट ले रहा हूँ स्टार्टिंग 5 मिनट माइंड डिस्टर्ब थी कॉमेंट ये बाकी
ভাগে উদ্দীপন কথা হচ্ছে না কেন উদ্দীপন এই উদ্দীপন নীতি কথা কিন্তু করলাম আগে এটা ভালো কথাটা কেন কেতে স্বপ্ন আসা নি কেন তাহলে ব্রেক ডাউন নাকি দিয়ে দিও ভাই জলদি ছাড় দাও আগে এমপি নিয়ে দিও কালি কালি ব্রেক ডাউন কিন্তু মোটাই কাট দাও কালি সেন্টি বি মিলিও মিতি বি মিলিও আমি তো প্রিন্ট নে আজি মাত্র নিকে গেল আনি গেল কি দিল সে মাসটি কত লাগাইছে 7111 দেখাইছে তো আওয়ালা না সে মাসটি দাও না প্রিন্ট আউট দাও আজি প্রিন্ট আউট কিছু দিও হ্যাঁ কিছু দিও আমি তো তাহলে ইভেন তো রাখি জানতে প্রিন্ট আউট না প্রিন্টার প্রিন্ট আউট কাটি দিছি না দিকে বড় রীতি মু ভাবছি এতে দি দি ইয়ার পুরা ওভারঅল দি দিটা না ছড়ি যে বড় না कौन दियो ओवरऑल में टाइप कौन ओवरऑल जो ये अच्छा किसा ओवरऑल में सब जगह ये अच्छा डेटा सेमेस्टर ब्रेट आउट ये दे तू कौन साली इस थके सेमेस्टर दोगे ना ना सुबह डर पड़े हुए सही पूरा ऐड दे दो उठी बाबू जो मूवी मूवी वाली चल बाहर अब गला ले बाहर करीब आओ कौन तो कितने में देखो पहले तापर चिपाओ बहुत लग जो है कौन मैं बुझ बुझ रहा है इसे काली वैसिया काली वैसिया इतनी हरम जगह में से मन में मोर भी चल चुका ता कथा मोर भी मन में चल जी नानी वाला कर इतनी ता कथा मन में अबे भी चल जी मोर अबे भी चल जी चल भी हो भाई इतने मु ऐटा मु की जानते ना প্রথম কোন কোড দিলা বে গুড গাড়ি আ গেল রোড পর চাও কি বলো সব ছোড়া মো কথা
रहा था, इसके साथ चला रहा था, वो अच्छे लड़के नहीं है, उनके ऊपर प्लान है मिशन तो उन लोग सब जो मैं उसको भगा दिया ये, और सूर्या उसके पास आया तो बाप फोन करेगा कि बाबा बहुत नंबर दिखा कुछ बाबा बाबा इनकी कौन काम करते हो जो भी खराब पिला सी कौन कुछ मैं कहना सर मतलब तुम ये पी जी कहला मगर सी कौन कर पैसा तक रहेगा ना 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 तब मुझे मुँह फोड़े ना तुम कई विषय कहीं कहो ना ना मुझे भल कह कह कहीं पारे पुणी आ छाड़ी हम ना मुझे बाबा मुझे छाड़ी ना 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 छाड़ना छाड़ना सेट रो सेट रो বুঝলো নেক্সট টাইম কফি মিলা নি মাগে এটা পিলা যাবে এখন দেশে কি মানে গ্যারান্টি বড় না মতে জোড়ে মিলা হেড পি মোর কিছু ইচ্ছা নাই মাগে রীতি উপর যে গাম চালা ঢাল দিব মোর সিদ্ধুল সিং বলে চলে জি কত মাগে আশা ছিল ভালো ভিডিও হলি যদি আম আমার দেখে ওভারঅল যদি মু কইছি উদীপন সব যে কোম্পানি দেখতা তা উদীপন ডেভিল টিচার সি স্কিম পার্সেট করেন আর সি হচ্ছে প্রেফারেন্স দিতা তা তমনু এ দিতা তা কিন্তু বড়লা ফার্স্ট ইমপ্রেশন ইজ लास्ट एक पैसे चुदी लाम सी ओर मेरे भी अच्छा तो बढ़िया मार्क्स पाए होगी गारंटी ता कंपनी तो एकदम एम्प्लॉय गला छी आपको यदि मु ई करी ना कबड़ जड़ी कहिथो के से भी फाके बहुत फाके अच्छा ले वर्षा करियो थाकी दे पाए कम सतो दे 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 कला एम्प्लॉय सा देखी हां ताको मु तो एम्प्लॉय सा आ देखे बोल दे पता को गेले कोई बार कर दो के अचल मन जा भी हो से दादी बाई जो है त भक वाले भी पाइबो कष्ट करी मोर चिंता है कष्ट बोले कोन तू जानलु तो कोन हो जी तो तू एक्सपीरियंस होल्ड दबे टेंशन हो छोटो फिर भी ठीक और मैसेज भी मारो कटन मोर भी दरकार नहीं है कोई तो 7 मोटर ऊपर ही वाला बी एल भी खुश नंबर तो बहुत है उसमें बहुत कौन है जॉइंट और पिला ने 10 मोटर तो रिवर्स चल दी ए मन को हो रे जो मैं 10 मोटर था करो 11 मोटर बना को हां की वन सेम चीज नील की वंडर से भी दूसरे जगह पी कौन सा वाला ओ कैफे ये आपका तो मतलब उल्टा टेक्निक है मतलब गर्म जल वहाँ पे गर्म पानी मिलता है और हम लोग वो लिकर टी लेते हैं तो सात बजे तक वो एप्लीकेबल है एक्चुअली। अच्छा इंटरनल लिंक सजेशन, इंटरनल लिंक सजेशंस में एक्चुअली हम लोगों का क्या रहता है, इंटरनल लिंक सजेशंस में व्हाट वी रेकमेंड, वी रेकमेंड कि एक पेज के साथ दूसरा पेज का कनेक्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लो आपके यहाँ कॉन्टेंट नहीं है तो बहुत दिक्कत है कि इधर है तो क्या होते हैं साइट में कंटेंट रहना चाहिए ना आपका यहाँ पे है मतलब वो कंटेंट यहाँ पे कंटेंट दे मतलब यहाँ पे कंटेंट लिख रहे हो ऑल अबाउट आपका वेबसाइट कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे है तो पोस्ट पेज है तो ठीक है वो दिखा देंगे इसका लॉगिन कर लेना इसका दिखा देंगे सारा यहाँ पे पेज क्रिएट करना है यहाँ पे पेज क्रिएट कर सकते हो इसका डिटेल्स दे सकते हो सारा का सारा इसको कस्टमाइज कर सकते हो ठीक है कर देंगे आप अभी के लिए वो जैसे आपका वहाँ पे एक देखना कि जो साइट में आपका रहेगा कस्टम एक वो एक देखना कि आपका साइट बार में जैसे आप साइट बार में जा रहे हो वहाँ पे आपका थीम रहेगा थीम एंड ऑल कस्टमाइजेशन वहाँ पे कस्टमाइजेशन हाँ वहाँ पे आपका एचटीएमएल में हाथ मत देना एक है कि विजेट सेक्शन से यहाँ पे लॉग इन करने से मैं दिखा दे सकता हूँ अच्छा इसका थोड़ा अलग है Thank you.
सर आप रोटरी सदन गए थे ना कुछ बीच में आप पोस्ट किए थे कोई आर्मी वाला कुछ तो वहाँ सरबरी साहब देखे थे आप मतलब जानते हो सरबरी साहब आपका यहाँ पे हाँ आईपीएस में के लिए मैं देखा तो वही सरबरी मैम रीजन देख ले सर व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट कर लेगा था पर सरबरी मैम देख लिया फोटो चढ़ लिया कि आर्मी वाला क्या था हां सैल्यूट टू आर्मी आई एम अ प्रियसा मेंबर एक्चुअली पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया का वो एक्टिव मेंबर हूं और उसके साथ-साथ आपका ये भी हूं न्यूज़पेपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का कोलकाता चैप्टर का जनरल सेक्रेटरी हूं तो इसके लिए वो मिलता है एक्चुअली बहुत सारा ऑप्शंस मिलता है फंड और सर्वर में मेरे को टाइम दे आर कनेक्टेड विद द पीआरएस एक्चुअली the member वो इवेंट हुआ था तो वहां से गया था वो आईबीएस आईबीएस का जो हेड है उसका नाम क्या है कुंतल और समथिंग हैदराबाद नहीं नहीं आईबीएस यहां का जो हेड मतलब आपका हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो मालिक है आईबीएस का जो यहां पे जो सेंटर ये करता है कुंतल बोल के शायद है तो इस बेसिकली नॉन उनको अगर बोलोगे कि मिस्टर महापात्र और पीआरएसआई बोलोगे तो पता चलेगा ये तो महापात्र तो उड़ीसा मिस्टर महापात्र सोमोजित महापात्र महापात्र तो उड़िया होगा शायद उड़िया ही होगा ही इज अ बेसिकली गाय मतलब चेयरमैन है तो उनको पता है पीआरएसआई तो आप बोलोगे कि मैं पीआरएसआई का जो मेंबर बिदु जी के पास जा रहा तो उसको पता चलेगा देन दे विल एडमिट द होल थिंग्स लॉगिन है अच्छा एक मिनट हां इसका क्या नाम है ओचा का ओचा रे ना दे यहां पे देखो लाइक कैन यू सी दिस दिस इज अ लेआउट राइट तो आपने अभी तक का बहुत सारा ये जो लेआउट का सेक्शंस है मैं एक आइडिया दे दे रहा हूँ यहाँ पे देखो आपका पेज है मतलब पेज ऑप्शन है कैन यू सी दिस पेज में जाना पेज में जाके फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे एक पेज बनाया लाइक okay about me okay now about me is there hi this is apka naam bolo Asif 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 kodur to ab email id by eglu dekhlo dekhlo email id ka group email id create korechi fine affiliate ekta contact বাকি দুটোর আন্ডারে দেখবে কি একটা জবের আন্ডারে ফাইবার ফ্রিল্যান্সার এগুলো করে নেবে আমি তাহলে আছে সো ইটস আ পাবলিশ
ठीक है, करने से क्या होगा, ये आपका एक पेज बन जाएगा, ठीक है, लुक एट दिस, दिस इज अ पेज, तो आपके साइट में थोड़ा थोड़ा कंटेंट आना चाहिए, तो एनी टाइम, फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू ट्रैफिक दिस वे, मतलब मैंने वो दिखाया, मतलब नॉट नेसेसरी कि आप बॉसी ऐसे लिखोगे, आप कुछ भी यहाँ पे यहाँ से डाल दो ना, CNN का कुछ बैकिंग न्यूज़ डाल दो, सो वो डाल दो, एंड बिकॉज इफ यू गेट इनटू पिक्चर्स यू नो दैट हाउ टू लाइक देयर पेज, सो यू कैन कम अप फॉर दिस, इफ मतलब होगा क्या, मतलब वो पेज पे शो करेगा, यस यस इट इज, यस इट इज, जो भी आपका पिक्चर्स है ना, यू कैन कम अप इनटू दिस वे, आई एम जस्ट शोइंग फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मान लो कि आपने ये दे रहे हो, ये तो हम लोग कुछ किए नहीं है, मतलब मॉडिफिकेशन वगैरह जितना करना है ना धीरे धीरे अभी कर देंगे आज, बट ये पूरा तो आपको ये आ जा रहा है, हम लोग जब आप बोले थे ना सर कि मतलब ब्लॉग बनाने के लिए, तो तुमजी दा बोले तुम लिख दो, कुछ भी लिख दी हम लोग भी, तो सब सेक्शन वगैरह इधर उधर हो गया, तो वहां पे मैंने वहां पे तिरुपति टेम्पल दिखा रहा है जो कि जगन्नाथ टेम्पल है पूरा गाना, सो एनीवे तो द थिंग इज ऐसा कि आपको आया ना, मेरे कहने के मतलब कि ये दिखा रहा है, तो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर दिखा दे रहा हूँ इसको कैसे और बेटर कर सकते हो, ठीक है, आप देखो लाइक आप इसको प्रोजेक्ट करो डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट हिसाब से ना, डिजिटल कंसल्टेंट कंसल्टेंट मान लो कि बायो और नहीं तो रिज्यूम, थोड़ा अपने आप खुद थोड़ा देख के आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हो, मतलब खुद थोड़ा कुछ लिख सकते हो, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे गया लिंक्डइन में गया, देखा कुछ प्रोफाइल में देखा, कुछ एग्जांपल्स आपको मिले, तो यू कैन सेल से पैसा, ये नहीं हो सकता इनकम टाइप से साइड शेयर से, हाँ लिंक्डइन से हो सकता है, स्लैश से आपके लिए फायदा होता है, नॉट एज ब्रो कि लिंक्डइन में आपको आपको पब्लिशर ये है वहाँ पे होता है, हाँ लिंक्ड इन जॉब होता है, LinkedIn is a very strong, आपको लिए तो इसे लिंक करना क्योंकि वो आपका बाद में काम आया, ऐसा करके इन्फॉर्मेशन आ रहा है, मतलब एक फॉर्मेट आ रहा है, तो मैं दिखा रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल तो इतना तक तो ले तक लिया ना, मैंने हम लोग यहाँ पे लाना चाह रहे इसको दे रहा हूँ कि आपको ऑलरेडी पता चल गया कैसे लाना, तो रिमूव इट पका रहा है ना, थोड़ा इसको मतलब आप बढ़ाना चाहो, थोड़ा मजा नहीं आ रहा टाइप का है, इफ यू गो अहेड इनटू इसको थोड़ा कंटेंट वाइज आप थोड़ा साइज बढ़ाना चाहते हो, तो आप हम से यहाँ पे नॉर्मल कर दो इसको, अगर सिलेक्ट करके यहाँ पे नॉर्मल कर दो तो नॉर्मल मोड में आ जाएगा, सी दिस हो सकता है पॉसिबल है, देन एडिट कर दो, ये थोड़ा देखने में अच्छा रहेगा, सो आपका जो रिज्यूमे है आप यहाँ से पा सकते हो, रिज्यूमे आप लिंक्स देना आपका बन जाए, तो ये ऐसे है तो आपका वहाँ पे डाल सकते हो ना, अभी राइट बन गया, तो ये मैं यहाँ पे वो लिंक नहीं दिखा रहा है कि नहीं, सो दिस ऑप्शंस आप यहाँ पे जाओ, देखो लेआउट है, लेआउट में गया, दिस इज माय साइड बार ऑप्शन, दिस इज माय सब्सक्रिप्शन ऑप्शन एंड बापरे इसका पैरामीटर से कुछ अलग है, जावास्क्रिप्ट वो ठीक है, वो तो साइड में गया, सब्सक्रिप्शन यहाँ पे है, सब्सक्राइब यहाँ पे है, सर्च टॉप है, सर्च टॉप है, हेडर यहाँ पे है, पेज हेडर यहाँ पे है, एंड और वी कैन डू अच्छा लोग यहाँ पे लाइफ हेडर यहाँ पे पेज हेडर पेजर्स यहाँ पे Can you see this? आपका जो पेज है आप यहाँ पे ऐसे
के बाद डाल सकते हो। अच्छा ठीक है, और भी कॉन्टेक्ट आज ये तो सेव होगा। एंड एक शायद देखो इसका स्ट्रक्चर ये है कि ये उनका जो होगा ना तो उनका थीम अगर अलग होगा तो ये ऑप्शन अलग होगा, यही याद रखना। मतलब ये ऑप्शन आपको ऐसे जो फॉर्मेट मिल रहा है और दूसरा थीम आओगे तो इसका फॉर्मेट अलग होगा। हाँ, वो ये रिफ्रेश करके देखना पड़ेगा क्या आ रहा है नहीं आ रहा है। सी दिस अबाउट मी में क्लिक करो, मतलब खाली ऑप्शन बस जैसे फिर अबाउट मी में क्लिक किया तो अबाउट मी ऊपर जैसे आपका यूजी में आ रहा है, वही तो सारा साइड में ये वाला समझ में नहीं आ, होम अबाउट मी ऊपर कैसा है, वही तो सिर्फ सर्च कर ले लूं। यहां हम लोग यहां पे पेज लिस्ट का जो क्या अभी जो बोलते हैं वो पेज से पहले के होम अबाउट मी क्या ऐड किया यहां पे, यहां पे मतलब ऐड पहले उसको अकाउंट को क्रिएट किया उसके बाद ऐड किया। ठीक है, देखो वीडियो देख लो। ठीक है डन। अच्छा तो ऐसे करके हो सकता है, तो पेज बनाना है कॉन्टेंट एस, ये थीम ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। आई थिंक थीम थोड़ा दूसरा एक थीम दे दे रहा है, ये थीम ज्यादा आपको मतलब ये थोड़ा म्यूजिकल टाइप का हो गया और थोड़ा काले हैं और थोड़ा पुश अप देना है। अच्छा आपके पास थीम है डाउनलोड मेरे को? अच्छा अच्छा থমাস কিছু বলবে? স্যার আমি বেরোচ্ছি তাহলে। হ্যাঁ এসো স্যার। স্যার ওটা আপনি তাহলে ইয়ে করেন, আমার আজকে ওটা আমি করছি, ওটা তৈরি করছি। কোনটা? কোশ্চেন অ্যানসার গুলো ফান্ডামেন্টাল। কতদিন লাগে তোমার সাথে কিন্তু আমার বসা হচ্ছে না, কতদিন লাগবে আর কতক্ষণ লাগবে তো এবার এটা বসতে হবে সেটা সেকশন সে তো আপনার সাথে বসতে হবে। হ্যাঁ তো যেগুলো কাজ অ্যাসাইন করা হয়েছে সেই কাজগুলোকে হ্যাঁ দেখবে, আমরা যখন জবাব হবে যত তুমি আরো কাজ তখন আমার কাছে যখন আমি রুমে ঢুকি তার আগে 10টা প্রায়োরিটি থাকে, যে ও মিট করে ও মিট করে আরো 5টা প্রায়োরিটি সেট হয়ে যায়। আইদার আই স্টক ইন হিয়ার অর আই হ্যাভ টু গো ইন টু দ্য গ্যাজেট। আমার প্রত্যেকে দেখবে আমার ইয়েতে গ্যাজেটে আমার টু ডু লিস্ট করা থাকে, সো বাট আই মেড আমি কিছুক্ষণ পর পর যেগুলো হয়ে যায় ওখান থেকে ডিলিট করি অ্যান্ড আই মেক ইট এলিজিবল ফর মি অ্যান্ড উসকো পুরা প্ল্যান করকে রাখতা হো, ও আপকো করনা হয়। সো ইটস নট লাইক কি আমার এটা ওটা এটা করেছি ওটা করেছি, আমরা প্রায়োরিটি গুলোকে সেট করে যদি তুমি করতে না পারো তাহলে তুমি এগোতে পারবে না একটা জায়গায় থেকে, তো সেটা সেটাকে খেয়াল রাখবে। ঠিক আছে ঢুকনে সে আচ্ছা হ্যাঁ মে এক ডাউনলোড কর লেতা হ্যাঁ স্যার একটা হলো বলছিলাম স্যার কালকে শুভাং স্যার শুভাং আমরা তাহলে বাবা একদম ক্রিয়েট হয়ে যাবে। ঠিক আছে পুরো করে ওকে রেডি করে ফাইনাল ইয়ে করো না যাতে করে ও ক্লাসে ঢুকে যেতে পারে। আসতে হবে বলেছিলাম তাহলে এটা সই ওনার নামটা কি করতে রেখেছি? হ্যাঁ বিকা হ্যাঁ ওকে তার যে কালকে সাড়ে 10টা করো না। ঠিক আছে বিকা তুমি মতটাকে ধরে ধরে কমপ্লিট। ঠিক আছে স্যার उसके बाद उसका खत्म करेंगे तो आएगा आपका ये वो लोग ऑनलाइन में कर रहे हैं, एक गुवाहाटी से कर रहा है, एक प्रेग्नेंट है तो बागुहाटी से कर रहा है, वो घर से कर रहा है। कैसे मतलब डेविड गिव इन तभी आपके नहीं वो थ्रू स्काइप एंड टीम वीवर तो अभी तो स्काइप ही ऑन है ऐसे चल रहा है ना, एक ऑफ है तो क्या होगा, एक में दिखा रहा है दूसरा तो ऑन में है। सो मेरे को पता चल जाएगा वो ऑलरेडी पिंग कर रहा है तो मैं आपका क्लास मोन उसका पका लूंगा। इसको ये है मेरे पे जो आता है 3-4 हज़ार स्टूडेंट यहाँ से निकला है, नहीं है कि स्टूडेंट तैयार हो जाता है वो तो नहीं रहता मेरे लिए थोड़ी रहेगा, सो बेसिकली गेटिंग द गुड गुड ऑप्शंस गुड गुड कंपनी सो यहाँ पे नहीं रहता है।
अभी नया मार्केट से तो उनका एक्सपीरियंस उतना नहीं होता है, क्लास दो क्लास करता है, तीन क्लास से करना नहीं चाहता है. सो मेरा भी प्रॉब्लम बहुत है. तो वो मेरा प्रॉब्लम है कि वो टीम मिलना, मतलब एक अच्छा टीम मिलना बहुत मुश्किल है. सर और क्यों दो तीन फैकल्टी क्यों नहीं रखते? फैकल्टी रख सकते हैं क्योंकि फैकल्टी जो है मार्केट में जो फैकल्टी है उसको आप मतलब एक कहीं भी इंटरव्यू दो ना तब पता चले, मतलब दे आर नॉट दैट मच. वो ओनली एसईओ है, वो पाँच साल से है, ओवरऑल एक्सपीरियंस किसी ज़्यादा का नहीं है. ओवरऑल एक्सपीरियंस है तो कोई कंपनी में ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, वो खुद का ओपन कर देगा. हाँ बोलिए मिस्टर बरुआ. हाँ रेडी, ठीक है स्टार्ट करते हैं, 8:30 से स्टार्ट करते हैं. नौगांव से खड़ा होगा लास्ट, मतलब नेक्स्ट टीएमसी चलता है यहाँ पे नहीं, गुवाहाटी को, गुवाहाटी का वो है. तो दीदा में पूरा कोर्स किया है 70,000 देके. उसके बाद उसको कैसे पता चला मेरे कहाँ से क्या, वो गूगल एंड ऑल कम्युनिकेशन अच्छा लगा तो उन्होंने 20,000 देके मेरा मेक मनी ऑनलाइन का कोर्स किया है. वो भी एक अलग कोर्स है. वो क्या वहाँ पे करके फिर से मास्टर्स कोर्स में एनरोल किया है, मतलब 30,000 का करके वो कर रहा है. मतलब वो वहाँ पे धीरे विद्या में वो तो टेम्पलेट होता है, मतलब आपको एक आप लॉग इन हो जाओगे तो इट विल कम अप कि एक बंदा आपको बोलता जाएगा, ठीक है. लास्ट 10 मिनट्स मिलेगा जहाँ पे पर्टिकुलर्स यू कैन आस्क द क्वेश्चंस. उस टाइम के एक घंटे में क्या समझोगे, आधा तो भूल गए होगे ऐसे जो भी है वो आपको नोट करके रखना वो है. तो दैट इज अ प्रोसीडियर फॉर द डिजिटल विद्या. तो वो किया है तो उसका उतना. तो अभी वो मेरे पास आज से वो मास्टर्स कोर्स का क्लास स्टार्ट होगा उनका, तो इन दैट केसेस उसके लिए वो मतलब उत्सुक है. पैसा तो सर बहुत है ये चीज ना, डिजिटल मार्केटिंग बहुत गंदा. हम लोग यहाँ से ज्यादा हम लोग मतलब ज्यादा मतलब कौन से ये अकेडमी वाला वो अलग है, हम लोग से आता है कितना अर्निंग इसे बेसिक डिजिटल मार्केटिंग का अर्निंग सर ने. कम्युनिकेशन होता है, नॉलेज बढ़ता है एंड एक प्यार मिलता है वो कहीं से भी नहीं मिलेगा. मतलब वो तो जान मतलब ऐसा जो बंदा कोर्स खत्म हो गया अभी मैं आके बैठा रहेगा चुपचाप वहाँ पे बैठा रहेगा, कुछ डिस्टर्ब नहीं करेगा, बैठेगा वो बात सुनेगा ये करेगा कुछ बोलता है तो कहीं से भी अगर होगा तो लेके चला आएगा. जैसे कि मेरा मूवी टिकट नहीं मिला था सब बंदोबस्त हो गया लास्ट ये इसमें मूवी देखा है बाहुबली टू देखा आप लोग तो महान हो फौजी अभी आपका ये है ना जो पोस्ट हमने दिया ये इसको हटा देना एक कुछ नहीं नहीं वो मत करना वो आपका अब्यूज दिखा रहा है कुछ अभी देखो यहाँ पे ये जो लेआउट है अभी लेआउट का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा. देखो वो लेआउट दिखा अभी लेआउट देखो चेंज हो जाएगा उसका. वहां पे हम लोग अबाउट में दिया था ना यहाँ पे देखो अबाउट में शो नहीं कर रहा है क्योंकि जैसे थीम चेंज होगा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा पूरा. देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा है सी दिस दिस इज चेंज. अभी मैं यहाँ पे मान लो जब मेनू चेंज करेंगे यहाँ पे मेनू है ठीक है मान लो मेरा इसका अबाउट क्या था ये अबाउट ये चलो ब्लैक था तो आई थिंक ना चाहिए अबाउट डाला है ठीक इसके साथ लिंक दिया एडिंग कर दिया डन मैंने सेव कर दिया. सो देन इवेंट साइड में आ जाएगा फिर होम के यहां होम कांटेक्ट और जैसे भी तीन चीजें पेपर सर का और ये और नहीं अगर करना
आपने एफिलिएट मार्केटिंग सीख रहे हो, इसको पूरा एफिलिएट मार्केटिंग की तरफ से मतलब ये प्लानिंग कैसे, ये एड है ना, ये सेक्शन है ना, देखो यहाँ पे कर रहा हूँ, बम 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 बोले सभी कोर्स किए हुए थे क्या जी? सीखे हुए मेरा जो सबसे मैं वो कोडिंग अब कोलकाता और इसमें मैं 2009 में मैं फर्स्ट हूँ यहाँ पे लॉन्च करना। आई हैव लर्न फ्रॉम थिंग बेसिकली मेरा जो मेंटर थे वो आई सपोर्ट फॉर द पार्टिकुलर यूके देखना इसे यूके बेस्ड कंपनी वहाँ वाज अ कैंपेन डिलीवरी मैनेजर यूके। हाँ तो यहाँ पे नहीं से वो जो कंपनी में हम लोग काम करते थे बाकी यहाँ पे आउटसोर्स करते सब बोल के कैंपेन डिलीवरी मैनेजर थे। तो इन दैट केसेस कि वहाँ पे लाइक हेनरी थे पकड़ पकड़ के लेवल के लिए उलस डॉन धीरे जब से मैं या देन दैट फॉर द नेक्स्ट माय मोन प्रोजेक्ट्स। अच्छा मान लो आप काम कर रहे हो यस डेफिनेटली डेफिनेटली हम कोई चीज नीचे पे काम कर जाते मतलब आप यहां पे ये बैनर आप मतलब ये हां ये बैनर्स मैं वहां पे देना फॉर एग्जांपल तो मैं इसको बहुत ऐसा टाइम जो कि पहली बार सुन रहा था कुछ भी सुने ही नहीं धीरे धीरे यार आएगा कुछ चीजें ऐसे जल्दी नहीं होता है अगर इतना इजी हो जाता तो एवरीथिंग सब कुछ कर देता हाँ देन मैं जगह जगह दे रहा हूँ ठीक है समझ लेना तो अब देखो यहाँ पे एशियन चल रही सो आप जो बिग बैंग सिखा ये दैट पर्टिकुलर सब का वहाँ पे आता है फेसबुक दिया हुआ सब सब देखो पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा मतलब साइट लेआउट फ्रेम बुक्स एंड फ्रेम वो इज बेसिकली हम लोग क्या आता है मिस्ट्री दिखाते हैं किसको नहीं दिखाता है ठीक है दिखा देते हैं कैसे अर्निंग होता है हम लोग कैसे कमाते हैं। जैसे ये बंदा यहाँ पे आप क्लिक करोगे पेपर क्लिक सो वो आपका क्या जाएगा यहाँ पे आपका उसका साइट ओपन होगा ई होस्ट बोल के साइट ओपन होगा है कि नहीं देन इस बेसिकली आपको वो लॉगिन के लिए मांगेगा मतलब आपको क्रिएट अकाउंट करना पड़ेगा। व्हाट वी डू ई होस्ट का इस बेसिकली वी आर द एफिलिएट मार्केटर हम लोग उसको प्रमोट कर रहे हैं ठीक है। सो जैसे आपने फ्लिपकार्ट सीखा तो फ्लिपकार्ट देखे आपका उसको क्या बोलता है बेंगोली में टर्म्स है हिंदी में क्या है पता हाथे करी मतलब आपको बेंगोली में टर्म्स है हाथे करी मतलब होता है कि जब बच्चा पहला लिखता है ना याद है छोटा एकदम बच्चा जो छोटा होता है जब फर्स्ट डे वो कुछ पूजा पूजा करके उसका वो फर्स्ट डे स्लेट में वो लिखाते हैं उसको हाथे को ही बोलता है मीन्स आपने फ्लिपकार्ट से जो दिखाया वो शुरुआत था मतलब वो इम्प्लीमेंटेशन अगर कर पाओगे तो कुछ भी वहाँ पे डाल सकते हो समझ में कहने का मतलब वो है। तो ई होस्ट आपने देखा वहाँ पे मैंने बना दिया तो वहाँ उस जगह पे आप भी ई होस्ट का एफिलिएट लेके दे सकते हो नंबर वन आप गोडेडी का दे सकते हो नहीं तो फ्लिपकार्ट का दे सकते हो अमेजन का दे सकते हो तो क्यों करते हैं क्यों देते हैं वो भी देख लो मैं आप मेरा ब्लॉग में देखा तो आई एम प्रमोटिंग दिस तो क्या क्यों चेंज होता रहेगा सर डील्स एंड कूपन ऑफ द डे मतलब ओ हाँ नहीं हाँ वो डिफरेंट डिफरेंट ऑफर्स जो है वही हम लोग देते हैं। देखो मेरा मैं दिखा रहा हूँ क्या होता है बहुत अच्छा जरिया सर पैसा कमाने का क्यों काम करना मेरे यहाँ पे आता है नौकरी करने के लिए जाता है पैसे के लिए नहीं करेंगे जब आंख ओपन हो जाता है कोई नौकरी में नहीं जाता है। अच्छा हाँ जिसको ये
अभी दो दिन में नहीं हुआ है. इफ आई चेक द माय फाइनेंस लास्ट मंथ का मेरा क्या पेमेंट आया है वो अगर देख लेते हैं, यू कैन सी द मतलब इस महीने में मेरा पेमेंट आएगा कितना, 300, 200, 500 और ये 600, 600, 1400, 1600, 1400, 700, 700 और 16 मिल के 760 $760 इस बेसिकली मेरा इस महीने में मेरा अर्निंग आएगा सिर्फ इस सिर्फ ये हो से ठीक है. तो धीरे धीरे आपको करना है, मैं इसको साइन आउट कर देता हूँ. सो दिस इज द काइंड ऑफ ठीक है. तो आई होप ये धीरे धीरे आपको अबाउट अस कॉन्टैक्ट अस पेज ऐसे करके बना लोगे ठीक है. और सर्विसेज पेज ऐसे बनाओगे तो ये साइट मोटा मोटी आपका ये रेंज में आ गया. हाँ तो इसको थोड़ा आप ये डालोगे तो ये साइट और बहुत सुंदर रहेगा. एक मिनट क्लास में मेरे का ना फ्लिपकार्ट कट जल्दी जा नहीं रहे से मेरा हाल खराब हो रहा है. स्टूडेंट यहाँ पे मतलब जाने के ही नाम नहीं करता है. हेलो हाँ बोलो बोलो सारी इनकी पेमेंट का 50,000 पोसी ही है बीपी लो. আরে তুমি হাঁপাচ্ছ কেন, কোথাও দাঁড়াও বসো. ঠিক আছে ঠিক আছে হ্যাঁ হ্যাঁ আছে. তো anyway, so it looks nice now, okay? So you can coordinate and all. Next, आपका ये हो गया आपका काम. अभी वहाँ पे जाके I hope you got देख कैसे करते हैं. इसको और customize और सुंदर बना सकते हैं, और अच्छे बना सकते हैं. ऐसे possible. First पहले आप about me contact us ये डाल दो, जो affiliate link है फिर. आप उसका उस side में जो visit है, उसकी कोई requirement नहीं लग रहा है. हाँ है ना आपका ये तो जब आपका services बनेगा तो कोई requirement नहीं रहेगा. कौन सा वाला ये वाले में पेमेंट के लिए बस. और पेमेंट नहीं है, आप यहाँ पे कोई बंदा आपको डायरेक्ट कॉल कॉन्टैक्ट भी दो और कॉन्टैक्ट अस वहाँ भी दो रख सकते हैं ऊपर. हाँ बट ऐट में जो क्या होता है ना लोगों को हम लोग क्या है ना मार्केटर है. हम लोग कैप्चर करने का उसको ऐसे मौका नहीं देंगे कि उसको कॉन्टैक्ट अस पेज में जाके उनको कैप्चर करना है. तो बंदा यहाँ पे सीधा आपको यहाँ पे क्लिक के हो जाएगा, उसको कॉन्टैक्ट अस पेज का जरूरत भी नहीं है. और कॉन्टैक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे वो डेटा जाएगा आपके पास मेल आ जाएगा. This is a good for us, right? Option देते हैं actually. और contractors नहीं देंगे यहाँ पे, services देंगे, contacts देंगे और तो और बढ़िया लगेगा. जो एक professional site होता है, personal professional site तो दिखेगा. यहाँ पे आपका about me के साथ साथ आपका resume डाल देना, PDF यहाँ पे डाल सकते हो. कोई क्लिक करेगा तो PDF देखेगा, आपका doc file download कर सकता है. तो किसी को देना है तो आप सिर्फ website URL दे देना, आप देख लो साइट में. सो वो बढ़िया रहेगा. सो आई थिंक वो हेक्टिक ये वो ऐसे करके, और नहीं तो डिजिटल मार्केटर सूर्या और असीत ऐसे करके बनाने से आपका वो काम भी चल जाएगा. IBS का जो आप जो ये करोगे ना, जब इंटरव्यू फेस करोगे उसके पहले तो मैं तैयार कर दूंगा. बोल दूंगा सर एक्टिव लेवल को क्यों रखा है. एग्जैक्टली करेक्ट. तो ऐसे भी मेरा ब्लॉग तो वो अच्छा है.
can come up first. Justification. Justification, sir. Online puja bhi. Ekdam, koi dikkat nahi hai. वो पूजा बेचो तो दुनिया का कुछ बेचोगे, पूजा के जगह पे शाड़ी आ जाएगा, शाड़ी के जगह रेफ्रिजरेटर आएगा, टूर आएगा, मार्केटर हूँ सर। वो जो अब मतलब वैसे जो एड दिखा है उसमें कोई आप ही के पेज से वो एड क्लिक करके फिर कुछ कर दे या फिर कुछ ये कर तभी जगह हुआ है, तब तो आप प्रमोट करते हो सर बहुत कुछ मतलब। हाँ प्रमोट करना पड़ता, प्रमोट वो नहीं करना से कैसे होगा, जो आप सीख रहे हो जैसा करके आप सीख रहे हो वैसी धीरे 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 वेबसाइट रैंकिंग करना, पीपीसी करना, वीडियो मार्केटिंग करना, फेसबुक में मार्केटिंग करना, सब कुछ सर टेक्निक यार। मतलब आपका घर है, मैंने समझा दिया था ना, आपका घर है, आपका एक ऑफिस है, आपका एक दुकान है, तो आपको सामान तो है, ये सामान बना लिया, अभी इसको यहाँ पे काम करना है, क्योंकि यहाँ पे क्लिक करेगा तब मेरा इनकम आएगा, तो इसको क्लिक कौन करेगा, विजिटर करेगा, तो विजिटर कहाँ से मिलेगा, वहाँ पे मेरे को जाना पड़ेगा, विजिटर वीडियो में है तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, विजिटर फेसबुक में तो फेसबुक में पोस्ट दे रहा हूँ, वीडियो सर्च इंजन में है तो मैं पीपीसी कर रहा हूँ, नहीं तो एसईओ कर रहा हूँ। टाइम लगा लिंक बनाने में, कोई भी चीज को खड़ा करने में, आईबीएस में आपने इतना पैसा दिया, आपका एक दिन में सर्टिफिकेट दे रहा है, दिमाग खराब, दो महीने दो साल तो आपको वहां पे देना पड़ रहा है, आप सीख रहे हो एवरीथिंग, दुनिया में कुछ भी खाना जो अभी जाके जो खाना बनाएगा, भात इमीडिएट होता है, राइस इतना चावल होता है, रोटी होता है, सबके प्रोसेस है, उसको आटा बनाना पड़ता है, उसको गोलना पड़ता है, देन दिस एवरीथिंग हैज अ प्रोसेस, इमीडिएट कुछ नहीं होता है, सारा का सारा। भगवान को पूजा करो वो भी इमीडिएट नहीं है, वो भी भगवान जी को स्नान करना, उसको तैयार करना, सारा का सारा रहता है कि नहीं पंडित जी? यस। हाँ मिस्टर बोलो। हाँ ठीक है, ए आप राइन पे रहिए, मैं इनका क्लास ऑलमोस्ट हो गया, ठीक है, तो करके आपको करना। सो ओवर देयर आप देखो यहाँ पे पर्टिकुलर ऐसे करके साइट बन गया, और हम लोगों का डॉक्यूमेंटेशन आ जाता है, तो इंटरलिंकिंग सजेशंस हम लोग क्या कर रहे हैं, कंटेंट से कंटेंट हम लोग सजेस्ट करते हैं, मतलब एक साइट में कंटेंट है, तो कंटेंट के साथ कनेक्ट के एक लिंक करके दूसरा साइट के साथ कनेक्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ आपको, एकदम लाइव दिखा देते हैं, आपका देखो पेजेस है, मतलब अगर कंटेंट रहता कर, तो पेज है, तो पेज में मैंने ये किया, तो आपका मान लो कि और एक पेज है, कॉन्टैक्ट पेज है, तो आपका पेज है होम पेज, तो एटलीस्ट ये तो आपका होम पेज है कि नहीं, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मान लो कि यहाँ पे एसईओ से मतलब ये साइट के साथ मैंने लिंक करना चाहा, ओके अपडेट कर दिया, तो क्या होगा, आपका इंटरनल लिंक का पेज हो जाएगा, मतलब आपका दूसरा साथ एक दूसरे का कनेक्ट होता है, एसईओ से भी क्या हो, ओके अरे ना, तो ये हम लोग डालते हैं इंटरनल कंटेंट सजेशन में, हम लोग क्या डालते हैं कंटेंट सजेशन में, हम लोग एक पुट करते हैं, प्लीज पुट मोर रेलेवेंट कंटेंट विथ टारगेटेड कीवर्ड्स, ऐसा करके हम लोग डाल देते हैं लिखने से यहाँ पे क्या कैसे, तो क्या होगा वो जो डेवलपर है, वो जो वेबसाइट ओनर है, वो क्या करेगा ना, इस साइट में मोर कंटेंट देगा, एक एग्जाम्पल और दे देते हैं, देखो फॉर एग्जाम्पल मान लो कंप्यूटर इन्फोटेक अकेडमी, मेरा यहाँ पे वो कंटेंट ज्यादा नहीं है, मतलब ये होम पेज है ना, तो ये सब आ रहा है, तो मेरे को देने का ज्यादा यहाँ पे रहना पड़ेगा, तो मेरे को आइदर यहाँ पे देना पड़ेगा, आइदर एक ब्लॉग बना के देना पड़ेगा, ताकि लोग हैं, तो अभी लोग छह लोग है साइट पे, तो ऑल टाइम ये जो लोग लाना रहना ये इम्पोर्टेंट होता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है, दिस इज मोस्ट थिंग्स, अगर वो है आपके पास सो देन यू कैन एंजॉय द थिंग्स। हम लोग यहाँ से जो होता है, यहाँ से जो होता है ना, तो पर्टिकुलर्स क्या होता है कि वहाँ से हम लोगों का अर्सिन से कमाया होता है। फाइन सर, तो आई होप यू गॉट इट दिस थिंग्स, सो ये डॉक्यूमेंटेशन है, इसको जरूरत है या नहीं, नहीं आप डिलीट कर दिए, हम लोग कल पेंडेम में ले जाएंगे, तो सब रिकॉर्ड हो गया होगा। फाइन, हाँ इसको सेव करना पड़ेगा, नहीं जस्ट ये फॉर्मेट है, तो इसका
ऑनलाइन में जो फॉर्मेट है और जो क्लाइंट के लिए जो फॉर्मेट है वो आपको फॉरवर्ड कर देंगे, वो मेरे पास है, वो डॉक्यूमेंटेशन फॉरवर्ड कर देंगे, तो आपको देखने को मौका मिलेगा. ठीक है, डन. सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑन पेज. एंड नेक्स्ट क्लास में भी ऑन पेज का सेक्शन रहेगा, वो रहेगा टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन. ये रहा साइट का, उसका टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन रहेगा, कैनोनिकल इशू बोल के है, रोबोट डॉट टी एक्स टी बोल के है, काफी सारा चीजें हैं वो आपको बोल देंगे. कल है सर, 6 बजे. कल 6 बजे, आई डोंट नो मतलब कब है, गाड़ी चेंज कर देख लीजिए. कल 6 बजे है. अभी तो चेंज किया है, क्या हो रहा है पता नहीं, मतलब तो समय और शायद सेव हो गया. ये बताए और नेक्स्ट डे इसमें है, 3 दिन पर, एक के बाद एक 3 दिन है ना. डन सर, सो आई एम क्लोजिंग माय सो दैट